हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM के ऑफिशियली अपडेट से। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी जो है एक्सपेक्टेड चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे कि ऑफिशियली वेबसाइट पे क्या अपडेट आ रही है रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में आपको सीधा ऑफिशियली चीज़ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी हमको नया नोटिफिकेशन आता है सरकारी फॉर्म का, जी हाँ दोस्तों, इस वेब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको सरकारी फॉर्म्स का ही अपडेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स के बारे में नहीं बताते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, हम आपके लिए लेकर आते हैं उसके नोटिफिकेशन के वीडियो। और साथ ही दोस्तों, सिर्फ और नोटिफिकेशन नहीं, हम यहाँ पर आपको लेकर आते हैं स्टडी मटेरियल, सेलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, हम सब कुछ, यानी पूरा प्रोसेस जो है जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहते हैं उस एग्जाम के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, आप यहां पे देख सकते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, CPTM की भर्ती, इसलिए मैंने CPTM एडवर्टाइजमेंट का जो है पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पे दो वेबसाइट्स होती हैं, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि GRDO की दो वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको जो है CPTM वाले में जाना है। जी हाँ दोस्तों, CPTM में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, होम, अबाउट CPTM, डाउनलोड, इंपॉर्टेंट लिंक्स, जनरल गाइडलाइंस, इस प्रकार का कुछ पेज रहेगा। चाहे तो आप होम पे भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए फिर से आपके सामने यही पेज ओपन होगा। तो ये होम पेज खोला है रखा है दोस्तों हमने। अब यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे न्यू में क्या क्या दिखा रहा है आपको, तीन चीज़ें दिखाई जा रही है। CPTM 09 एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, जो अभी आपका हाल ही एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, और उसके बाद STA B का है, और लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन 351 पोस्ट वाला उसका है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अब हम आते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ईमेल एड्रेस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, RTI करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप इसी वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि आप लोग कहाँ से पता करते हैं, तो ये है दोस्तों ऑफिशियली चीज़ें जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, कोई भी नई चीज़ नहीं होती, बस ये होती है कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते। तो काफ़ी जो है, आप अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे इनसे तो मेल पर आप जाके मेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कॉल पर बात कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कब तक आप कर सकते हैं, ये भी दिया हुआ है, 9 to 17, यानी 9 से 5:30 बजे तक का टाइम है, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज़, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ये ऑफिस ओपन रहता है और आपको हॉलीडेज़ के दिन कॉल नहीं करना है। तो 9 से 5:30 का टाइम दिया हुआ है, तो आप इसके बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। चाहे आपको आंसर की के बारे में पूछा तो आप आंसर की के बारे में पूछें, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके अंदर हैं आप वो पूछ सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है टायर वन का अवेलेबल है, तो ये जो है लेटेस्ट चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, और ये है A&A वाला, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का है, तो वो किस चीज़ के लिए वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर री एग्जामिनेशन फॉर ऑन 20 November 2019 इन मॉर्निंग शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो रीशेड्यूल एग्ज़ाम हुआ है 28 को, और कौन सा वाला था, आपका सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में जो हुआ था भुवनेश्वर 21 नवंबर को, उसके बारे में जो है ये एडमिट कार्ड के बारे में है, ये ऑलरेडी बीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी तब से लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। वही चीज़ के लिए मैंने दोस्तों आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर ले गया हूँ। उसके बाद भी अगर न्यू में देख लीजिए, बस सबसे जो लास्ट अपडेट है यही है न्यू में, और उसके बाद भी अगर न्यू में देखते हैं दूसरा भी देखिए यही चीज़ है, सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में भुवनेश्वर में 21 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। थर्ड में भी आप देख सकते हैं 23 नवंबर का दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपका जो लास्ट अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में है, और वो भी एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप स्टेटस ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आप जाएंगे ना, तो ये कॉलम जो रेड में दिया है वो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कुछ नया आएगा, यानी रिजल्ट हो, चाहे आंसर की हो, चाहे एक्सपेक्टेड कुछ भी, जब भी कोई चीज़ यहाँ पे जारी होता है तो ये जो स्टेटस ऑफ एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे जो है आपका शो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है रिगार्डिंग रिजल्ट को लेके, चाहे आंसर की को लेके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, चाहे वो टेक्नीशियन के भर्ती का हो। तो दोस्तों अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड चीज़ों पे ही लोग चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि पिछले साल के वीडियो जो कट ऑफ होते हैं, जो पिछले साल के एनालिटिक्स होते हैं कि एग्ज़ाम कब हुआ था, उसके बाद आंसर की कब आई थी, उसके बाद रिजल्ट कब आया था, उन्हीं सब डेटाज को कलेक्ट करके जो है इस वीडियो को बनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट कुछ भी नहीं आई है।
तो दोस्तों जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी तो हम आपके लिए इसका वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। जब भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो हम आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के नीचे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों अगर स्मार्ट फोन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो स्मार्ट फोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।